डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट एन एक्सरसाइज ऑफ स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर को रिलेशन कॉफिशेंट ऑन एस पी एस एस स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक डाटा से ओपन है आ, इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल लास्ट मॉड्यूल में भी दी थी मार्क्स सोशियोलॉजी और मार्क्स साइकोलॉजी की आ, जो है हमने रिलेशनशिप देखा था इन दो वेरिएबल को रैंक करके आ, अब हम इसमें हमारे पास एक और स्कोर है जिसको हम लिटरेचर का स्कोर कह रहे हैं और इसके लिटरेचर के स्कोर के हमारे पास रैंक्स भी मौजूद हैं तो हम एनालाइज़ पे जाएंगे एनालाइज में जाने के बाद आप कोर पे पर ही आएंगे और कोर में आप बाईवेरिएट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे बाईवेरिएट को सिलेक्ट करने के बाद अब हम रैंक साइकोलॉजी का रिलेशनशिप देखते हैं रैंक लिटरेचर के साथ और यहाँ से हमने इसको पियरसन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है तो हमने इसको अनचेक करके स्पेयरमैन को चेक करना है और इसको हमने ओके करना है फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन हमने चेकड ही रहने देना है हम ये टेस्ट टू टेल्ड कर रहे हैं इसको भी चेक ही रहने देना है ओके करेंगे तो हमारे पास ये कोरिलेशन कॉफिशेंट कंप्यूट हो के आ गया ये इसकी पी वैल्यू जो है टू स्टार है यानी ये पॉइंट ज़ीरो वन से कम है इसकी पी वैल्यू और रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है वो पॉइंट नाइन ज़ीरो नाइन है जो कि हाईली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है यानी जिनके रैंक्स साइकोलॉजी में अच्छे हैं उनके रैंक्स जो है लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो अब हम एक और इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं कोरिलेट बाईवेरिएट में गए और हम साइकोलॉजी की बजाय लिटरेचर का आ, के रैंक्स का देखते हैं सोशियोलॉजी के रैंक्स के साथ रिलेशनशिप सेम वही स्पेयरमैन और फ्लैग सिग्निफिकेंट ओके करेंगे तो इसका रिलेशनशिप जो है वो भी सिग्निफिकेंट है एट पॉइंट जीरो वन लेवल टू स्टार हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है हमारा और इसकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ पॉइंट सेवन एट टू है पॉजिटिव है और इसके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ पॉइंट सेवन एट टू है और जो हम इससे प्रीवियसली हमने लिटरेचर का साइकोलॉजी के साथ देखा था तो उसकी पॉइंट नाइन ज़ीरो नाइन है तो कंपेरिटिवली हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी के जो रैंक्स हैं वो लिटरेचर के रैंक्स के साथ लेस एसोसिएटेड है एज कंपेयर टू द साइकोलॉजी मगर दोनों रिलेशनशिप हाईली स्ट्रॉ रिलेशनशिप्स हैं तो इस तरीके से हम जो है रैंक ऑर्डर को रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कोई ऑर्डिनल डेटा हो या कोई रैंक डेटा हो तो उसके लिए हम ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं